हेलो हेलो। जी, नमस्कार भैया। प्रकाश नमस्ते, कौन? बारूद जी बात कर रहे हैं ना? जी, हम बोल रहे मैं शुभम सिंह बात कर रहा हूँ, लीड न्यूज़ भोजपुरी से। जी हाँ, शुभम जी जी पहचाने बोलिए। ना हाँ, पहचान रहा हूँ थोड़ा सा, बोलिए। भैया? कुछ क्वेश्चन पूछना था आपसे, थोड़ा मतलब काफी लोगों में कंफ्यूजन हो गया है, थोड़ा विवाद हो गया है, कंट्रोवर्सी टाइप। तो मुझे पूछिए। क्वेश्चन पूछना है कि अभी हाल में हमारे पावर स्टार पवन जी का जो गाना आया था मीठा मीठा टू, उसको लेके कंट्रोवर्सी हो रहा है। कोई मृत्युंजय करके सिंगर है, वो आरोप लगा रहे हैं कि पवन जी ने गाना चोरी किया है, और साथ में आप पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि प्रकाश जी ने चोरी करके गवाया है। तो इसको मतलब थोड़ा किसका गाना था, किसका मैं चोरी करके मतलब किया, मृत्युंजय जी, किसका गाना कोई चोरी किया मैं? मृत्युंजय जी एक सिंगर है, उन्होंने पवन जी से 2 दिन पहले यूट्यूब चैनल से गाना रिलीज किया है, मीठा मीठा हाँ, टू का सेम लिरिक्स है, मगर उनके गाने में डिस्क्रिप्शन में कोई डिटेल्स वगैरह नहीं है, किसने म्यूजिक दिया, किसने क्या, कुछ नहीं है। तो इसी से समझ में आ जाता है ना, डिटेल्स वगैरह नहीं डालना तो कौन चोरी। उसमें डिटेल्स है किसी, उसमें लिरिक्स लिखा गया है कि कोई कौन, कोई कुछ राजपूत कुछ ऐसे नहीं। करके लिखा नहीं, उसमें डाला गया है। मैंने हाँ, देखा उसको लिंक खोल के, दीपक की शायद कुछ नाम है। हाँ, कैसे करके राजपूत करके, हाँ हाँ उसमें मैंने राजपूत लिरिक्स लिखा हुआ है जी पहले से, और लिखा हुआ है लिरिक्स, और बंदा रिकॉर्डिंग में बोल रहा है, मुझे रिकॉर्डिंग भेजा, वही बंदा जी जी रिकॉर्डिंग में बोल रहा है कि प्रकाश बारूद जी ने राइटिंग किया है उस गाने का, अच्छा, तो इससे सिद्ध नहीं होता है उसमें लिरिक्स कौन चोरी करके कौन क्या समझ डाला रहा है है। समझ रहा है। यही और भाई साहब का मेरे पास बहुत सारा रिकॉर्डिंग है जिसमें वो बोले हैं कि भैया आप में कोई गलती नहीं है, भैया हम लोगों में गलती है। जी तो भाई साहब का बहुत सारा रिकॉर्डिंग है, ठीक है, हाँ जी हाँ तो जी उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और आप लोगों को पता ही है कि मेरा क्या है, मैं सही बात चोरी है सही। करता हूँ नहीं गाना नहीं के, तो खुद क्रिएट करता हूँ। मैंने पवन भैया के फैंस के लिए ये क्वेश्चन आपसे राइज और किया, पहली क्योंकि और एक बात, जी जी बंदा बोला है कि वो किसी ने उस आदमी से पूछ रहा है, मृत्युंजय जी जो है उनसे पूछा जा रहा है कि जी आपने प्रकाश बारूद को राइटिंग का पैसा दिया था, जी तो उसमें बंदा बोल रहा है कि हाँ, मैंने सब कुछ दिया था, ठीक अच्छा, है। और उसके लिए मैं बस यही बोलूंगा कि जो पैसा दिया था उसका कोई भी प्रूफ होना चाहिए ना कि जी, पैसा दिया है तूने, और हम बोल रहे हैं नहीं। और उसके लिए जो बोलिए वो, मैं आपसे सच्चाई बोल रहा हूँ, वो एक पैसा वो नहीं दिया है, ठीक है। उसको, वो कौन है उसको तो मैं पहले जानता ही नहीं था। मैं एक पवन तिवारी करके सिंगर थे, भाई साहब आए हमारे पास, उनसे थोड़ी मुझे दोस्ती था, और वो इस तरीके का मुझे नहीं कुछ बोलना है उस आदमी के ऊपर, ठीक है। वो बस जी, यही कि मुझे 10 लोग जान जाए, बिना मतलब का, समझ। बिना मतलब का, ठीक तो है। वो मतलब क्या है कि पहले किसी चैनल से रिलीज हुआ था, मैं उसको बोला कि आपके पास वो है क्या राइटर का साइन कि मैंने गाना लिखा है? अच्छा, हाँ, तो वो बंदा अपना चैनल से गाना उतार दिया, ठीक है। और इसमें भाई साहब ने भी उस चैनल से बात किए हैं, भाई साहब सिंगर, कि हाँ, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक अच्छा अच्छा है। उसमें बोल रहे हैं कि उनमें कोई गलती नहीं, हमारे में बोल रहे हैं कि प्रकाश बाबू में कोई गलती नहीं, गलती हम लोगों ने किया है। जी, और ये एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरीके का के लोग हैं भोजपुरी में, मैंने बहुत सुना मैंने थर्ड सुना क्लास। मैंने सुना और उसे इसलिए आपसे पूछा कि सर, क्योंकि पवन भैया का लेवल आप जानते हैं बहुत ऊपर है, साथ में आपके ऊपर आरोप लग रहा है, तो मैं आपसे हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस भाई साहब उन लोगों को बस यही बोलना चाह रहे हैं कि उन लोगों को कंफर्म करना चाहिए, बढ़िया से करना चाहिए कि जी जी सच्चाई क्या है। सच्चाई को मतलब पहले जानना चाहिए, उसके बाद कुछ भी न्यूज चाहे कुछ भी रिकॉर्डिंग मतलब डालना चाहिए, बस यही मैं बोलूंगा उन लोगों के लिए। और क्या मैं बोलूँ, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है जी, ये सब मैंने बिना समझ रहा है। मतलब, हाँ, कुछ नहीं होता है बिना मतलब का, काम कैसे कोई करेगा। इतना समय है किसी के पास कि वो कोई आया बोला कि मेरा गाना है, जिसमें वो बोल रहा है, खुद बोल रहा है कि राइट किए हैं प्रकाश बारूद, मेरे पास उसके चैनल का ये है लिंक 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 है, और उस पे लिखा हुआ है कि राजपूत, कोई राजपूत गाना लिरिक्स की लिखे हैं। तो जी, इसे सिद्ध होना चाहिए कि वो क्या कितना सच्चाई बोल रहे हैं कि भाई साहब, उनको 10 लोग जाने वो कौन है। एकदम मैंने बहुत अच्छा गाने तो आता नहीं है, हाँ, ठीक है। और बस यही कि मतलब किसी का गाना
बस पता चल गया कि पवन सिंह गाए हैं गाना, बस उसको जल्दी जल्दी गा दो, गा के ये कर दो। और उसमें उल्टा मतलब मैं गाना खुद लिखा हूँ तो मैं चोरी कैसे किया हूँ भाई, ये सोचना चाहिए ना। जब वो बंदा बोल रहा है कि प्रकाश बारूद ने राइट किया था गाना को, तो फिर मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ? ये कौन सा चोरी, चोरी हुआ क्या? नहीं नहीं गलत है। हाँ बस इसी से आप लोग समझिए, जब वो मैं खुद राइट किया हूँ तो फिर कैसे चोरी कर सकता हूँ गाना भाई। होता है नाम बदनाम करने के लिए लोग करते हैं। हाँ और उनका बहुत सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, बहुत सारा रिकॉर्डिंग जी जी कि जिसमें कि भैया आपका कोई गलती नहीं है, गलती हम लोगों का है, वो लोग दोनों बोल रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है बहुत सारा, बस इससे ज्यादा क्या बोला जाए है? जरूरत है पड़ेगा तो मैं आपसे रिकॉर्डिंग्स मांगूंगा। मतलब बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्य में सफल होने की कोशिश कर रहा है ना जी भैया जी। कि मैं जो वो सोच रहा है वो उसको सोच उस आदमी का सोच पूरी ना हो, क्योंकि जब आप मेहनत करके नाम नहीं बना सकते हैं तो आप मतलब किसी को बदनाम करके नाम नहीं बना सकते हैं। सही बात। चलिए चलिए, बहुत बहुत ठीक धन्यवाद ओके प्रकाश भरूच जी आपको। ठीक ठीक ब्रो वेलकम।